खबर बांदा जनपद से है, जहां बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कोरम गांव के पास एक सीएनजी ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया, जिसमें ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार अन्य लोगों को मामूली सी चोटें आई हैं। बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कोरम गांव के पास का मामला है, जहां बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार सीएनजी ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गया, जिसमें ऑटो में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस की मदद से राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामदास श्रीवास्तव उम्र करीब 55 वर्ष निवासी लौली टीका मऊ को बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा देखते ही परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव बिसंडा थाना क्षेत्र के लौली टीका मऊ गांव के रहने वाले हैं, जो बबेरू तहसील के काम से ऑटो में सवार होकर बबेरू जा रहे थे। वहीं ऑटो में अन्य सात लोगों को मामूली सी चोटें आई हैं। वहीं अचानक हुई घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपका निरंजन कहाँ रहते हैं, क्या घटना हुई है कोहराम के पास? कोरम के पास बिसंडा से सीएनजी आ रही थी, कोरम के पास पलट गई। कैसे पलट गई है? बाइक बचाने से। अच्छा, बाइक सामने आ गई है तो बचाने में अनियंत्रित होगा, पलट गई है। कितने लोग सवार थे उसमें? आठ लोग। क्या हुआ कि एक की डेड हो, सामने मौत, एक की मौत हो गई? आप कहाँ से जा रहे थे? बिसंडा से। कहाँ जा रहे थे? मेरे यार का मामला आया था, क्या है? आज करीब 11 बजे राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव शनाख रामदास उम्र लगभग 55 साल निवासी लाली टीका मऊ को एक शॉर्ट एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू को लाया गया था, जिसका मेरे द्वारा परीक्षण करने के उपरांत गिरफ्तार मृत घोषित कर दिया।